आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, थ्री डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर अंजनी टाकिस के पास भवानी माता रोड खंडवा। संपर्क करें 7000653715 और 9111116730। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अभी आप सभी लोगों को रुकना है यहाँ पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओर से प्रेजेंटेशन। अब जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं वे हैं मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी। इन शब्दों के साथ खुद से जीतने की जिद है। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। नर्मदा मैया की, संत सेवावल महाराज की, तांतिया महाराज की, सिंगा महाराज की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। यह मेरे भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल फिर से मानदाता आकर आज आपने आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे फिर से बल और शक्ति दी। या दूर दूर से आए आप, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, कुछ माताएं और बहनें भी हैं, हर जाति की है, हर धर्म की है, हर भाषा की है। सही बात है ना? ऐसा कोई देश है, ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में जहां इतने धर्म हुए, इतनी जातियां हुए, इतनी भाषाएं हुए, इतने त्योहार हुए, इतनी देवी देवताएं हुए? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है कि इतनी अनेकता के बावजूद एक झंडे के नीचे खड़े हैं। ये अपना देश है, यही विदेश के सब देश, विश्व में सब देश जब भारत की ओर देखते हैं ताज्जुब होता है कि ये कैसा देश है। यहां से तो आप उत्तर से दक्षिण जाओ तो धोती भी लुंगी बन जाती है। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है और कांग्रेस की संस्कृति है। और आप सब जिन्होंने कांग्रेस की संस्कृति को अपनाया है, आपने उस संस्कृति के, भारत की संस्कृति का सम्मान किया है। 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। आपने फैसला किया था, आपने फैसला किया था कि बहुत हो गया शिवराज जी, बहुत झूठ आपने बोल लिया, बहुत घोषणाएं कर ली। आपने लगभग दो साल पहले फैसला किया था अब हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश की। आम जनता ने कहा था हम अपने वोट से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पर 7 महीने पहले तो वोट से नहीं, नोट्स से इन्होंने अपनी सरकार बना ली। हमारा संविधान है, हमारा प्रजातंत्र है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था, बाबा साहब अंबेडकर ने प्रावधान रखा था संविधान में कि अगर कोई सांसद का निधन हो जाए, कोई विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। पर बाबा साहब अंबेडकर ने ये कभी सपने में नहीं सोचा था कि सौदे के कारण बोली बोल लो और उपचुनाव करना पड़ेगा। ये हमारा संविधान हमारे नौजवानों के लिए, और इतनी भारी संख्या में यह नौजवान है, इसलिए मैं आपको पुकार रहा हूं
यह संविधान आपके लिए बना, आपका आपको अपना जीवन काटना है। हमारे बुजुर्गों ने और हमने तो अपना जीवन काट लिया। यह संविधान, ये प्रजातंत्र आपके लिए है। आगे तो आपको पंचायत का चुनाव भी नहीं करना पड़ेगा, गांव में बोली बोल लो, सरपंच चुन लो, जनपद का नेता चुन लो, ये हालत, बिक जाओ, सौदा कर लो। अरे भाई, छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। और यही सरकार 7 महीने पहले बनी, दिसंबर 2018 में मैंने शपथ ली थी, आपने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव में और आचार संहिता में इन 15 महीनों से 1 महीना तो किया, ये सौदेबाजी भी मेरे पास तो 11.5 महीने थे। और इस 11.5 महीने में हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया, पूरे प्रदेश को परिचय दिया और कैसा प्रदेश हमें सौंपा था, ऐसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल बाद सौंपा था, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था, महिलाओं की अत्याचार पर नंबर 1, ये प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, किसान का जन्म कर्ज में होता है, उसकी मृत्यु कर्ज में होती है। हमने शुरुआत करी थी कि कर्जा माफ करें, पहला किस्त था, ये पहली दफे देश के इतिहास में केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं पर चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करना था। किसानों के साथ न्याय हुए, किसानों को सही मूल्य मिले। हम कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहते थे, शुरुआत करी थी, 11.5 महीने थे, पहला किस्त हमने कर्जा माफ का किया, दूसरा केस चालू था, खत्म होने वाला था, तीसरा केस हम जून से करने वाले, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे फसल लेने। हमने तो परिचय दे दिया, शिवराज सिंह चिल्लाते रहे 7 महीने चिल्लाते रहे, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, बड़ी एक्टिंग कर लेते हैं शिवराज सिंह जी, झूठ बोलना। हाँ तो मैंने सोचा था 15 महीनों में कुछ सबक सीख गए होंगे, पर ये तो और झूठ बोलने का आ गए, ये एक एक बात पर झूठ बोलेंगे। कहते थे कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, अब तो विधानसभा में जब पेश हुआ, आंकड़े पेश हुई, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मुझे शिवराज सिंह से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो अपने गरीब किसानों का सर्टिफिकेट चाहिए। और किसानों की क्रय शक्ति बढ़े, खरीदने की ताकत बढ़े, अगर किसान की खरीदने की ताकत बढ़ती है तो जो किराने की दुकान गांव में है तभी तो व्यापार चलता है उस किराने की दुकान का, ये बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो सकती है। जब किसान की जेब में कुछ पैसा हो, बच्चे को अच्छी कमीज पहन सकता है, जब उसको जेब में कुछ पैसा हो, हमने शुरुआत करी थी। और सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की, हमारा नौजवान जो भटक रहा है, आज का नौजवान में एक अपनी सोच है। और शिवराज सिंह जी ने 15 सालों में, 15 साल भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। मैं कल था डबरा में, मैं गोहद में था, मालनपुर कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया था, औद्योगिक क्षेत्र बनाया था, सब चौपट बंद, खाली शराब के कारखाने चलते हैं वहां। ये आज शिवराज सिंह जी ने 15 साल में अपने प्रदेश को कहां ढकेला। हमारे नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, यही हमारा भविष्य है, हमारे नौजवान। अगर नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा तो किस प्रकार का मध्य प्रदेश हम आगे बनाएंगे, किस प्रकार का मध्य प्रदेश का निर्माण होगा, रोजगार के कोई मौके नहीं। और आज का नौजवान में एक तरफ वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है, ये तरफ है नौजवानों में। और ये तभी संभव है जब आर्थिक गतिविधि बढ़े, एक उद्योग लगता है, 4-5 को उसमें व्यवसाय का मौका मिलता है, कोई गाड़ी चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई होटल चला लेगा, आर्थिक गतिविधि बनती है। पर कोई निवेश नहीं मध्य प्रदेश में,
कोई निवेश नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं, कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। हमारा प्रदेश घिरा हुआ है, घिरा हुआ है पांच प्रदेशों से। एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, केंद्र बन सकता है, पर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो माफिया चलता था, मिलावट चलती थी। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। ये शिवराज सिंह के 15 साल के कार्यकाल में है, और आज शिवराज सिंह ध्यान मोड़ना चाहते हैं। 15 साल का हिसाब किताब दे रहे हैं आपको, आपको तो दिया था आपने, तो 2 साल पहले उन्हें घर बिठाया था। पिछले 7 महीनों में क्या किया? मैं तो शिवराज सिंह कहता हूं ठीक है, आपको तो घर बिठा दिया था, सौदा करके आप आ गए, पर पिछले 7 महीने का तो हिसाब किताब दीजिए। वो तो कहते हैं कमलनाथ हिसाब किताब दे 15 महीनों का। मैं 15 साल का ना तो हिसाब दूंगा ना 7 महीने का हिसाब दूंगा, कमलनाथ हिसाब दे। देखते जाइए, ध्यान मोड़ना चाहते हैं आपका, कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएंगे, कुछ ना कुछ कलाकारी शिवराज सिंह की रहेगी। आज इनके पास बोलने को कुछ नहीं, गद्दारी करिए। और मैं महाराजाओं के बारे में क्या कहूं, मैं तो महाराजा हूं ही, मैं तो कमलनाथ हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मामा हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं किसान का बेटा हूं। मैं ऐसा किसान का बेटा नहीं हूं जहां किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। मैं ऐसा मामा नहीं हूं जहां सबसे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है, और मैंने चाय कभी बेची नहीं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो एक साधारण कमलनाथ हूं, और मैंने कौन सी गलती करी, मैंने कौन सा पाप किया था? किसानों का कर्जा माफ किया था, ये पाप किया? मैंने बिजली 100 रुपए में दी, क्या पाप किया? मैंने किसानों का पंपों का रेट आधा किया, कौन सा गुना मैंने किया? मैंने गौशालों का निर्माण किया, सबसे ज्यादा गौशाला का निर्माण अपने देश में, अपने मध्य प्रदेश में हुआ, ये कौन सा पाप मैंने किया? मैंने अपने पिछली जातियों का कहा 27% आरक्षण होगा, कौन सा पाप, कौन सा गुना मैंने किया था? ये तो 11.5 महीने का चित्र आपके सामने, ये आप सबके सामने। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, ये चित्र रख लीजिएगा अपने सामने, ये चित्र रख लीजिए आपके सामने। 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी तो आएगी, 3 तारीख के बाद 4 तारीख जाएगी। मैं जानता हूं आपके पट्टों की क्या समस्या है, मैं जानता हूं कि डूबे क्षेत्र में सर्वे, फिर से सर्वे कराने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि मछुआरों को राहत पहुंचानी है, मछुआरों के साथ कैसा अन्याय हुआ है, मैं ये सब जानता हूं, और यही मेरे नक्शे में, यही मेरे नक्शे में है कि हम एक नया इतिहास बनाएं। 1 तारीख को ये तंबू उतर जाएगा, ये झंडे उतर जाएंगे, ये मंच नहीं रहेगा 1 तारीख के बाद, पर 1 तारीख के बाद ये नौजवान रहेंगे, ये नौजवान रहेंगे, इनका भविष्य रहेगा। तो मैं से आपसे इतना कहता हूं कि आपने जैसे 2 साल पहले विश्वास रखा था कांग्रेस पर, अब तो उत्तम पाल है, दूसरा कौन सा चाहिए मैं तो नाम नहीं जानता, कुछ और कह दूंगा तो कहेंगे आपने अपमान कर लिया। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद अब उसे कुछ कह दूं मैं, हाँ जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी, ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यहां मैं पीता हूं कोको कोला, अगर कोको कोला बंद
पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी क्या, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज के, ये इनका हाल है, पहचान जाइएगा आज की। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है, उत्तम का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। उत्तम तो सेवा करेगा, पूरे परिवार ने आपकी सेवा करी है और इसका भविष्य, इसका लंबा भविष्य। ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के आपके क्षेत्र के विकास का एक नया इतिहास बनेगा। आप सब से मैं एक ही आग्रह करता हूं, जब 10 को गिनती होगी, जब 10 को गिनती होगी, सबसे ऊंचा झंडा हमारे मंडाता का होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।